गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा डिजीज़ जो होता है ये आई का डिजीज़ होता है। ग्लूकोमा इज ए प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विच लीड्स टू द डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व विथ लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन। जैसे इसमें होता क्या है कि फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद रेज्ड इंट्राओकुलर टेंशन या इंट्राओकुलर प्रेशर भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो एक्वस ह्यूमर होता है उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हमारे आई पे पड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व्स क्या होते हैं, जो कि जो भी हम चीज़ देखते हैं उसको ब्रेन में ले जाता है जो नर्व्स, उसको हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो अगर वो डैमेज हो गया तो इससे हमारा लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन यानी देखने का पावर भी हमारा ख़त्म हो सकता है। तो बहुत ही सीरियस डिजीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ये मेनली ऑप्टिक नर्व जो होता है वो हार्म होता है, और इसको मे भी ये किस वजह से हो सकता है, तो इंट्राओकुलर टेंशन यानी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकता है। ये इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है कि जो हमारे आई जो रहता है उसमें, अब देखिए इसको हम फिगर से समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारे आई का एक फिगर है सिंपल सा, तो ये ऑप्टिक नर्व से जो ब्रेन मिल जाता है तो यही डैमेज होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें दो चैम्बर रहता है हमारे आई में, ये लेंस हो गया और इधर से कोई भी रेज आता है, ठीक है। तो ये इसमें देखिए ये पुपिल होता है, फिर लेंस होता है, फिर ये आयरिस होता है, ये हमें पता है। ये जो सामने वाला चैम्बर रहता है इसको एंटेरियर चैम्बर या एक्वस चैम्बर भी बोलते हैं, और ये जो पीछे वाला चैम्बर होता है इसको विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर, जिसमें लिक्विड रहता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको आप जूम करके यहाँ पर दिखाया गया कि ये लेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो सिलियरी बॉडी रहता है, सिलियरी बॉडी क्या करता है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जो लिक्विड क्या होता है इस आयरिस के पीछे से होते हुए यहाँ पर एक कैनल ऑफ स्लैम होता है, यहाँ से ये बाहर चला जाता है, ठीक है। ये कैनल ऑफ स्लैम होते हुए यहाँ पर इससे बाहर चला जाता है। तो इस डिजीज में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो इसका जो पाथवे है इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, और क्या होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लूड बढ़ जाता है। तो फ्लूड बढ़ेगा जब यहाँ पर लिक्विड, तो इसका प्रेशर हमारे लेंस पे पड़ता है, लेंस पे पड़ेगा तो जिससे ऑप्टिक नर्व जो रहता है इस पर भी अफेक्ट होता है, ठीक है। तो यही ग्लूकोमा के केस में होता है। इसको और अच्छे से समझना है अगर हमें, तो आप इस फिगर में इसको सही से समझ सकते हो। देखो इसमें ग्लूकोमा के बारे में दिखाया गया है। देखिए ग्लूकोमा का दो केस होता है, एक होता है ओपन एंगल और एक होता है नैरो एंगल। ओपन एंगल या एंगल क्लोजर भी बोलते हैं। तो देखिए आप ये लेंस हो गया, ये सामने से लाइट आएगा, ठीक है। तो ये सिलियरी बॉडी यहाँ पर ये ह्यूमर लिक्विड प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है वो इधर से होते हुए आयरिस से और ये कैनल ऑफ स्लैम यहाँ से ये आई से बाहर चला जाता है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं कैनल ऑफ स्लैम, ठीक है। तो इसमें ये ओपन एंगल हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये स्पेस रहता है इसको ओपन एंगल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल पाथवे हो गया, तो इसमें ब्लॉकेज आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है, और जिसके वजह से देखने में हमें ये हमारे प्रेशर इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं जिसको, जो कि हमारे ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज कर देता है। और देखो जो एंगल क्लोजर या नैरो एंगल बोलते हैं उसमें देखो आयरिस और लेंस के बीच में और कॉर्निया के बीच में बहुत ही कम स्पेस रहता है, यानी इधर से जो ह्यूमर जो लिक्विड आएगा वो क्या होगा ये इधर बाहर नहीं जा पाएगा और बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन ये प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गए, एक ओपन एंगल हो गया और नैरो एंगल, और जो लिक्विड का जो प्रेशर जो लेंस पे और इस पे पड़ता है इसको हम बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। तो जो 90% जो लिक्विड प्रोड्यूस होते हैं वो इस कैनल ऑफ स्लैम से जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो रहते हैं 10% वो जो रहते हैं, आप इस फिगर में देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। ये वन पार्ट दिखाया गया है, ये लेंस हो गया, ये सिलियरी बॉडी हो गया, इसमें सिलियरी मसल, ये सिलियरी बॉडी जो होता है ये हमारा जो ह्यूमर जो लिक्विड रहता है उसको प्रोड्यूस करता है, और वो इधर से होते हुए ये ट्रेबिकुलर पाथवे बोलते हैं इसको, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो जो स्क्लेम्स कैनल से होते हुए यहाँ बाहर चला जाता है। तो 90% जो लिक्विड जो रहता है प्रोड्यूस होता है वो इस पाथवे के थ्रू बाहर चला जाता है, तो ये प्रेशर को मेंटेन किया रहता है। जो 10% जो रहता है वो स्क्लेरा में आ जाता है, और जिसको यूवीए स्क्लेरल आउटफ्लो बोलते हैं उसके थ्रू ये बाहर होता है। तो मेन जो हो गया वो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो। तो ग्लूकोमा में मैंने बताया आपको कि ये जो पैथवे जो रहता है, ये जो स्लेम रहता है इसमें ब्लॉकेज आ जाता है और यहाँ पर लिक्विड बहुत ज़्यादा भर जाता है जिसका प्रेशर पड़ने लगता है, जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट का मेन जो हमारा स्ट्रैटेजी रहता है वो ये रहता है कि ये जो फ्लूड का जो ट्रेबिकुलर पाथवे है इसको या तो ब्लॉकेज को सही कर दे, तो अगर लिक्विड बाहर चला गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरा
ये यूवीएस क्लेरल आउटफ्लो इसको सही कर दे ताकि इससे भी लिक्विड बाहर चला जाए तो प्रेशर कम हो जाए। और तीसरा ये होता है कि सिलेरी बॉडी जो रहता है इससे हम क्या करते हैं, सिलेरी बॉडी से प्रोडक्शन जो होता है जो लिक्विड का उसको हम लोग कम कर देते हैं। तो ये तीन स्ट्रेटेजी रहता है जिसके थ्रू इस ग्लूकोमा को ट्रीटमेंट करते हैं। तब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा ड्रग इसमें यूज होता है। तो देखिए जो मैंने अभी आप लोगों को फिगर से बताया वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि थेरेप्यूटिक मेजर जो होता है टू लोअर द इंट्राओकुलर टेंशन या इंट्राओकुलर प्रेशर आइदर बाय रिड्यूसिंग द सिक्रेशन ऑफ द एक्यूस ह्यूमर, जो ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है उसको सिक्रेशन को कम कर दे, या फिर इसका ड्रेनेज यानी इसका जो आउटफ्लो है ट्रैबिकुलर आउटफ्लो या यूवीएस क्लेरल आउटफ्लो उसको हम बाहर कर दे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा ऑक्टिव नर्व डैमेज कम हो जाएगा। तो ये इसका मेन स्ट्रेटेजी रहता है। और मैंने बताया आप लोगों को कि ज़्यादा एक्वस जो ट्रेन रहता है वो ट्रैबिकुलर रूट से जाता है, 10% जो रहता है वो किससे जाता है, यूवीएस क्लेरल आउटफ्लो से जाता है। तो इसका दो कंडीशन मैंने बताया, एक ओपन एंगल बताया आपको जिसमें स्पेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम इसके ट्रीटमेंट में देखते हैं कौन कौन सा ड्रग यूज होता है, ठीक है। तो इससे पहले हमें एक और चीज़ समझना होगा कि जो मेन हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिलियरी बॉडी पे रहता है। तो देखिए हम सिलियरी बॉडी पे कौन कौन से रिसेप्टर रहते हैं उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आई में ये सिलियरी बॉडी जो रहता है वो यहाँ पे रहता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है और यहाँ से बाहर आता है। तो ये सिलियरी बॉडी का हम बस सिर्फ पार्ट आपको दिखाने वाले हैं कि इस पे कौन कौन से रिसेप्टर रहते हैं। तो ये देखिए ये सिलियरी बॉडी है, इसका सिलियरी एपिथीलियम ये दिखाया गया आपको, और ये उसके सिलियरी पे ब्लड वेसल्स दिखाया गया है। तो इस पे देखिए मेनली सबसे पहले इसमें अल्फा वन रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। अल्फा वन रिसेप्टर क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्वस प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो हम इसको इसको यूज कर सकते हैं या तो इसको एक्टिवेट कर दें जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा एक्वस का। दूसरा अल्फा टू रिसेप्टर्स, ये देखिए आप इपिथीलियम पे ये अल्फा टू रिसेप्टर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं एक्वस सिक्रीशन को, एक प्रोडक्शन अलग हो गया लेकिन सिक्रीशन मतलब रिलीज करने को उसको कम करते हैं। तो इसको एक्टिवेट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा जो टेंशन रहेगा वो कम हो सकता है। एंड द थर्ड इज बीटा टू रिसेप्टर्स, बीटा टू रिसेप्टर्स जो रहते हैं ये भी इपिथीलियम पे रहते हैं, ये क्या करते हैं कि ये एक्वस सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। तो अगर इस रिसेप्टर को हम अगर ब्लॉक कर दें, बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वन इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये देखो ये एंजाइम जो रहता है ये यहाँ पर इसके एपिथीलियम में ये प्रेजेंट रहता है सेल्स में, जो कि क्या करता है HCO3 आयंस जनरेट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशन होता है और प्रोडक्शन होता है किसका, एक्वस ह्यूमर्स का। तो उस लिक्विड को अगर हम इसको इनहिबिट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, उसका सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। तो देखिए मेनली टारगेट क्या है, या तो अल्फा वन रिसेप्टर्स को हम क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और एक्वस प्रोडक्शन को कम कर देगा। अल्फा टू रिसेप्टर्स को अगर हम एक्टिवेट कर दे तो ये सिक्रीशन को कम कर देगा, बीटा टू रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दें तो ये क्या करेगा, ये भी सिक्रीशन को कम कर देगा, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करें तो ये भी सिक्रीशन को कम कर देगा। तो हमारा जो ड्रग रहेगा मेनली वो इन्हीं बेस्ड रहेगा। अगर ये चीज समझ में आ गया तो ड्रग को याद करने में ये चार कैटेगरी ही मेनली होता है। तो आइए हम अब ड्रग देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें ओपन एंगल, वाइड एंगल या क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा में क्या होता है, ये इट इज जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड, जेनेटिकली होता है ये, ठीक है। ये पोटेंशियल ऑफ द ट्रैबिकुलर नेटवर्क, पोटेंशियल मतलब कि जो फ्लो होता है ट्रैबिकुलर फ्लो उसमें क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर टेंशन जो होता है बढ़ने लगता है। अगर लिक्विड बाहर नहीं जाएगा आई से उस पाथवे के थ्रू तो क्या होने लगेगा, फिर दिक्कत आने लगता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे फर्स्ट ड्रग जो होता है उसमें ओकुलर हाइपरटेंसिव ड्रग में बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स, मैंने आप लोगों को बताया कि बीटा रिसेप्टर क्या करता है, उसका सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो अगर इसका हम ब्लॉकर यूज कर ले, जैसे टीमोलोल जो रहता है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा वन बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, बीटाक्सोलोल होता है बीटा वन सेलेक्टिव रहता है, तो ये क्या करता है कि इसको ब्लॉक करता है और ये एक्वस फॉर्मेशन यानी एक्वस सिक्रीशन को रोक देता है, जिसकी वजह से सिक्रीशन कम होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा प्रेशर भी, अगर वो डिपॉजिट नहीं होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स ओवर मायोटिक्स, जैसे पहले हम मायोटिक्स ज़्यादा यूज करते थे तो मायोटिक्स के ऊपर इनका क्या एडवांटेजेस है। तो मायोटिक्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलता था, जैसे मायोटिक्स क्या करता था कि कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता, जिसके पुपिल साइज डिक्रीज हो जाता था, एकोमोडेशन में दिक्कत होता था, लेकिन ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, एकोमोडेशन में दिक्कत नहीं करते, ये इसमें लोकल एस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं होता है जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है, जैसे पिलोकार्पिन ड्रग्स में फ्लक्चुएशन होता था, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होता, और इसको हम ट्वाइस या वंस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं।
इसका इफेक्ट आई पे क्या होता है, रेडनेस ड्राइनेस ऑफ आई हो सकता है, या फिर कॉर्नियल हाइपोस्थेसिया ब्लर्ड विजन भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा इफेक्ट रहता है इसका। सिस्टमिक क्या रहता है, जैसे जब हम आई में टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नेजोर लैक्रिमल डक्ट के थ्रू ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बीटा ब्लॉकर्स हम जानते हैं कि ब्रोंकोस्पाज्म करता है, तो अस्थमेटिक और सीओपीडी पेशेंट जो रहते हैं उनको बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर हो सकता है उनके लिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक माइल्ड प्रेशर जो इनर कैंथस होता है आई का, उसमें एक माइल्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं 5 मिनट तक, जब हम ये जो जब ये हमें ड्रग अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आई ड्रॉप जो रहता है वो नेजल लैक्रिमल डक्ट में जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है और उसका सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है। अब ये बीटा ब्लॉकर्स हो गए जो कि उसको सिक्रेशन को कम कर दिया। अब देखा अल्फा एडेनर्जिक एगोनिस्ट मैंने अभी आपको बताया था, तो उसमें क्या होता है, इसमें हम डिपिवेफ्रिन यूज़ करते हैं, ये एड्रेनालिन का प्रोड्रग होता है। प्रोड्रग मतलब कि ये कॉर्निया में जाता है, कॉर्निया में जाके स्टरेज एंजाइम से क्या होता है, ये एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाता है, एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम जानते हैं कि अल्फा वन अल्फा टू रिसेप्टर्स में जाके जो सिलेरी बॉडी रहता है उससे बाइंड करता है और इसके सिक्रेशन और प्रोडक्शन को रोकता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर टेंशन कम हो जाता है। और ये क्या करता है कि यूवी सैकुलर आउटफ्लो जो रहता है और ट्रैबिकुलर आउटफ्लो उसको भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड बहुत जल्दी आसानी से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिडक्शन ऑफ आयोटा। तो ये भी बहुत अच्छा ड्रग रहता है जो कि हर तरह से, एक तो रिडक्शन भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सिक्रेशन और को भी कम कर रहा है और फ्लो को भी सही कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा इंट्राओकुलर टेंशन को कम करता है। ठीक है, इसमें एप्राक्लोनिडीन होता है, ब्रिमोनिडीन होता है, जो कि ये भी अल्फा ब्लॉकर्स रहते हैं, अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा वन अल्फा टू एगोनिस्ट रहते हैं, जो कि हमारे यूवी सेकुलर आउटफ्लो को बढ़ाते हैं और इंट्राओकुलर टेंशन को कम करते हैं। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट दी अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब थर्ड जो रहता है वो रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जैसे लैंटोप्रोस्ट एंड ट्रेवोप्रो। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन समझिए एक ऐसा लोकल हार्मोन या मेडिएटर होता है हमारे बॉडी में, जो कि मेनली इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से मेनली फीवर होता है। लेकिन इस केस में देखा गया है कि एक PGF2 अल्फा जो रहता है ये हमारे क्या करता है कि इंट्राओकुलर टेंशन को कम करता है विदाउट ऑकुलर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन बिना किए हुए, और उसको कम करता है। कैसे करता है, तो ये जो क्या बोलते हैं इपिस्क्लेरल वेसल जो रहता है, जो यूवीएस क्लेरल आउटफ्लो रहता है, उसको अच्छे से इंक्रीज करता है, यानी उसके फ्लो को बढ़ाता है, परमेबिलिटी उसका बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड रहता है वो बाहर आसानी से निकल जाता है, जिसकी वजह से ये इंट्राओकुलर टेंशन को कम करता है। तो इसको भी यूज कर सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, इसके बारे में मैंने बताया आपको, एसिटाजोलामाइड डोरजोलामाइड जो रहते हैं ये ज़्यादातर यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्मेशन को रोकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एक्वस फॉर ह्यूमर जो रहता है लिक्विड उसको फॉर्मेशन को रोक देते हैं। लास्ट जो होता है वो मायोटिक्स होते हैं, पिलोकार्पिन, जो कि क्या करते हैं कि ये ओपन एंगल ग्लूकोमा जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आईओटी इंट्राओकुलर टेंशन को कैसे कम करते हैं, तो उसके ट्रैबिकुलर आउटफ्लो जो रहता है उसके फ्लो को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, तो इस तरह से इंट्राओकुलर टेंशन को कम करता है। अब देखिए इन सब का एक अगर आप एक ये देखिएगा समरी देखिएगा, तो देखिए बीटा ब्लॉकर्स एक्वस सिक्रेशन को कम किया, एड्रेनालिन जो रहता है ये सबसे बेस्ट तरीके से काम किया, एक्वस सिक्रेशन भी कम किया, ट्रैबिकुलर आउटफ्लो भी बढ़ाया और यूवी सेकुलर आउटफ्लो भी बढ़ा दिया। एप्राक्लोनिडीन जो होते हैं अल्फा एगोनिस्ट जो होते हैं ये भी देखिए ये एक्वस सिक्रेशन कम करते हैं, यूवी सेकुलर आउटफ्लो को भी बढ़ाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, ट्रैबिकुलर आउटफ्लो और यूवी सेकुलर आउटफ्लो को बढ़ाता है, मायोटिक्स ट्रैबिकुलर आउटफ्लो को और कार्बोनिक एनहाइड्रेट एक्वस सिक्रेशन को कम करते हैं। तो अगर ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो इन जो 5 कैटेगरी है इन सब का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद रह जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप वो रिसेप्टर्स के बारे में समझ लो कि सिलेरी बॉडी में कौन सा रिसेप्टर रहता है और कैसे एक्ट करता है, तो आपको इनके बारे में लिखने में बस ड्रग्स का नाम याद करना है जो कि आप पहले पढ़ भी चुके हो, तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं इनको। अब देखिए अब इनका जो आपका केडी त्रिपाठी में जो ये डायग्राम दिया हुआ है उसको जैसे साइट ऑफ एक्शन दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट साइट है स्फिंक्टर पुपली जो रहता है ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में यूज होता है। जब ये क्या होता है ये इसके और इसके बीच में एंगल कम हो जाता है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अभी, तो उस केस में इसको कॉन्ट्रैक्शन करके और उसमें आसानी से इधर से फ्लूड को पार होने देता है। सेकेंड जो साइट दिया हुआ है वो
किसका दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सिलेरी मसल पुल्स ऑन स्क्लेरा स्पर एंड इंप्रूव्स द ट्रैबिकुलर फ्लूएंसी। मायोटिक्स का दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन करता है और यहाँ पर ये फ्लो को आसानी से बढ़ाता है, जिसकी वजह से लिक्विड का फ्लो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो क्या होता है, इंट्राओकुलर टेंशन को कम कर देता है। थर्ड जो दिया हुआ है आपका, देखो यहाँ पे सिलेरी बॉडी, यहाँ पर मैंने आपको रिसेप्टर्स भी बताया था कि बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा वन एगोनिस्ट, अल्फा टू एगोनिस्ट एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो मैंने आपको रिसेप्टर्स के बारे में बताया था, ये सारे यहाँ पर एक्ट करते हैं और इनके सिक्रेशन को और प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ जो रहता है यहाँ पर ट्रैबिकुलर आउटफ्लो में एड्रेनलिन जो रहता है वो उसको इंक्रीज करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका आप लोग बना लोगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे ड्रग का एक बार भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है, अच्छे से शो किया हुआ है, तो ये इस डायग्राम को आप लोग जरूर से बनाना इसमें। और उसके बाद सेकंड होता है एंगल क्लोजर, नैरो एंगल जो होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये आयरिस और इसके बीच में जो एंगल्स जो रहते हैं इसको, ये बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इधर से फ्लूड नहीं निकल पाता है और बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इरिडोकोरियल एंगल जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, इसीलिए इसको नैरो एंगल बोला गया है, ठीक है। तो इसमें ये इसमें प्रॉब्लम आता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन आता है, तो इसमें बस सिम्प्टोमेटिक ड्रग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, इसका सर्जरी होता है, सर्जिकल और लेजर इरिडोटॉमी यूज करते हैं, लेजर से के थ्रू इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी अगर अगर इंट्राओकुलर टेंशन को जल्दी से कम करना है तो इसमें हम ऑस्मोटिक ड्रग्स यूज करते हैं, मैनिटोल, जो कि डीकंजेस्ट करता है, ऑस्मोटिक कंडीशन लगा के उसमें जो फ्लूड रहता है उसको बाहर निकल जाता है, उसमें मैनिटोल ग्लिसरॉल यूज किया जाता है। फिर वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं, फिर मायोटिक्स और टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स और एपिलोक्लोडिन, जो कि मैंने आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें मेन आपको यही याद रखना है कि कौन सा ड्रग यहाँ पर कहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये जो डायग्राम है इसको अगर आप सही से समझ गए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि यहाँ से जो ये जो सिलियरी बॉडी रहता है इसमें सारे रिसेप्टर्स रहते हैं, इनको बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा वन अल्फा टू एग्निस यूज करना है, और यहाँ से ये जो ट्रैबिकुलर आउटफ्लो और यूवीएस स्क्लेरल आउटफ्लो, यहाँ पर इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम इंट्राओकुलर टेंशन बोलते हैं। तो इसको कम करना है तो या तो इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फ्लो को बढ़ा देंगे, ट्रैबिकुलर आउटफ्लो जो कि 90% जो लिक्विड रहता है वो इधर से ही जाता है, 10% इधर से जाता है, तो इसको हम अच्छे से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ सिलेरी बॉडी में जो प्रोडक्शन हो रहा है इसको हम कम कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर जो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा वन एगोनिस्ट यूज कर लेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी यूज कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोमा ड्रग्स यूज इन द ग्लूकोमा। थैंक यू।